आज मैं लेके चलता हूँ दोस्तों आपके लिए अलीगढ़ की रामजिला मैदान में। रामजिला हो रही है काफ़ी जोरों से, दो दिन की रामजिला और बची है। आज सुपर खाकी नाक काटी जाएगी और कुंभकर्ण जगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा सीन देखने लायक है और यहाँ का मैं पूरा रामजिला मैदान दिखाऊंगा और रामजिला दिखाऊंगा, अलीगढ़ की रामजिला कैसी होती है और कैसा है यहाँ का रामजिला मैदान। चलती है हमारे साथ, वीडियो पूरा देखना, जरा सा मिस नहीं करना। ये देखिए रामजिला मैदान का आसपास का जो बाहर का व्यू है, रोड के किनारे जे रामजिला मैदान है और जे यहाँ पर जीटी रोड यहाँ से जा रहा है और जे अचल में, अचल के अंदर रामजिला मैदान बनी हुई है। इसको अचल बोला जाता है अलीगढ़ का, जो कि नौरंगाबाद पुल के पास ही है। जो देख रहे हैं आपको चलती हुई सड़क आपको नज़र आ रही होगी जहाँ से वाहन चलते हैं, और इस समय दोस्तों 10 का टाइम हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं और हम चलते हैं आपको लेके रामजिला मैदान के अंदर। एंट्री कर चुके हैं, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन, लाइटिंग डेकोरेशन आपके लिए यहाँ महसूस नहीं होगा रात है या दिन है। और लाइटिंग बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है, साउंड की बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है। काफ़ी भीड़ आती है और देख रहे हैं आप, अब शुरुआत हुई है अभी और अब धीरे 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 यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जाएगी। काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं रामलीला देखने के लिए। देखिए दोस्तों आज भी बड़े बुजुर्गों में रामलीला देखने का जुनून है, आजकल बड़े बूढ़े लोग ज़्यादा देखते हैं। यूपी अलीगढ़ की फेमस मानी जाती है रामलीला दोस्तों, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सोनू कुमार, यूपी शहर अलीगढ़ का रहने वाला, आपके लिए इसी तरह के नॉलेज भरे वीडियो ब्लॉग्स बनाकर दिखाता रहता हूँ। हमारे चैनल पर जाके देखेंगे आप तो सभी जगह की मार्केट मिलेगी आपको, आगरा की सबसे सस्ती मार्केट, दिल्ली के सभी हॉस्पिटल, दिल्ली की मार्केट, अलीगढ़ की सभी प्रकार की मार्केट, अलीगढ़ के टेम्पल्स, अलीगढ़ के स्थल धाम, सब कुछ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहेगा। एक वीडियो रोजाना आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। प्लीज़ जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलिएगा। आप किस तरह वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम आपके लिए वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी देखेंगे। रामलीला का मजा लीजिए दोस्तों, बहुत ही आनंद रामलीला यहाँ की चलती है। आज के युग से थका हुआ सरकार और प्रातः काल होते ही, हाँ ये बंदर भालू जैसे ही सूर्योदय हुआ लंका पर चढ़ाई कर रहे थे। लंकापति कावर महाराज की जय हो, जलाया जाए।
इससे पहले वाला वीडियो दोस्तों हमारा रावड़ का है, अलीगढ़ का रावड़ कैसा था, कैसा बना है और कैसे यहाँ पर उसकी गर्दन घुमाई जाएगी, कैसे फैल के अंदर चलाया जाएगा, ये पूरी जानकारी चाहते हैं इससे पहले वाला वीडियो देखना। और इसके आने वाला वीडियो दोस्तों वो भी रावड़ का ही होगा, रावड़ को कैसा रावड़ का दहन होता है, कैसे रावड़ जलाया जाता है, आप कैसे रामलीला होती है, सब कुछ इसी इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें जानकारी मिलेगी आपके लिए। तो हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में। और यहाँ मैं अभी देखिए रावण और कुंभकर्ण मिलकर के जी कैसा कॉमेडी करते हैं, राम लक्ष्मण तैयार बने बैठे हैं साइड में, आपको दिख रहे होंगे वो अपने तेरी नाव कर कान का बदला इन राजकुमारों से अवश्य और कान के बदले मैं मामा मरीज की सहायता से उनकी भार्या जानकी का हरण करने क्या जानकी का हरण करके मैंने उसे अशोक वाटिका में रखा और राजकुमारों ने बद्दल भालुओं की सेना एकत्रित की और लंका की ओर कूच किया। उनमें से सर्वप्रथम एक हनुमान नाम का बद्दल लंकापुरी में आया, अशोक वाटिका मिटाई, तुम्हारे भतीजे अक्षय कुमार को मारा और लंकापुरी को जलाकर वापस रामागढ़ में चला गया। उन राजकुमारों ने समुद्र पर 100 योजन का विशाल पुल का निर्माण किया और पुल के द्वारा लंकापुरी में आ गए। लंकापुरी में कठोर युद्ध हो रहा है, दानवों से कई वीर मारे जा चुके हैं। आज तुम्हारे भतीजे मेघनाथ ने और छोटे राजकुमार लक्ष्मण के वीर हाथ की शक्ति का प्रयोग किया जिसके किरदने से वह छोटा राजकुमार मूर्छित हो गए। किंतु क्या करे भैया, इस लंकापुरी में भी गद्दारों की कोई कमी नहीं। एक हमारा भाई विभीषण गद्दार तो युद्ध के समय अपने भाइयों को छोड़कर चला गया और दूसरा वह सुखैल नामक वैद्य जिसने उस शक्ति से बचने का उपाय उन दोनों राजकुमारों को बता दिया और हनुमान नाम का बंदर तो पर्वत से संजीवनी बूटी ले आया और वह छोटा राजकुमार बड़ा मूर्छा से भी हो। आपने ये क्या किया, ये अच्छा कार्य किया आपने,
रामलीला शुरू होने का टाइम है दोस्तों शाम को 8 बजे से लेके रात को 1 बजे तक रामलीला चलती है। देखो कैसे भोगा जाती है सरकार। सरकार बोला था ये बकरे का मांस है बकरे की हड्डी केवल थोड़ी सी बकरे और भैंसे को नहीं सकते। इधर साइड से क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, मैं उधर साइड से दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे से दिखाऊंगा, पूरा मंच दिखेगा और पूरी भीड़ दिखाता हूँ मैं आपके लिए। देखिए कितना बड़ा फील्ड है यहाँ का और कैसी यहाँ का भीड़ है, और कुछ लोग आगे खड़े हैं जो पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, उनके लिए दिक्कत हो रही है, इसीलिए सब लोगों को आगे से हटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं पहले से हट रहा हूँ क्योंकि कोई भी मुझसे भी आके बोल सकता है। जो देख रहे हैं आपको बैठने वालों को कितनी दिक्कत होती है, आगे लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पीछे आपके बैठे हुए लोग और आप उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ तो गलत बात है। और मैं साइड में जाकर के वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का कितना बड़ा फील्ड है। जो देख रहे हैं बेल्ट ठेले जो लगे हुए हैं दोस्तों, इनमें ढोले जो रामलीला की कल की लेकर राशि होगी वो इन्हीं के द्वारा की जाएगी। अब मैं जी देखिए फील्ड के बाहर आ गया हूँ। यहाँ पर रामलीला मैदान में जब रामलीला होती है तो यहाँ का मार्केट भी लगता है, यहाँ पर खेल खिलौने और यहाँ के केसू झांगियाँ जिस बहुत कुछ बिकता है। यहाँ की मार्केट कैसी है वो भी आज के इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ की मार्केट चलता हूँ आपको इस मार्केट के अंदर लेके, यहाँ की मार्केट दिखाता हूँ मैं। जी देखिए दोस्तों यहाँ पर खरीदारी बच्चे बड़े लोग, जी देखिए सांप हैं जो काफ़ी पुराने ज़माने के खिलौना है, ये धागे से और रबड़ से चलाया जाता है इसके लिए। और यहाँ पर देखें आप राम लक्ष्मण का सभी रामलीला में यूज होने वाले सभी हथियार यहाँ बिकते हैं लकड़ी के बने हुए दोस्तों, बच्चे लोग खरीद के लेके जाते हैं। और जहाँ पर टेसू झांकियाँ बहुत बिकती हैं और कुछ दिनों तक जब रावण की तीरें होती हैं तब ये मांगते हैं, गलियों घूमते हैं बच्चे। देख रहे हैं यहाँ टेसू झांकियाँ कितने खूबसूरत काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए हैं, टेसू इनको बोला जाता है। और झांकियाँ भी देखो ये लेडीज़ के लिए होती हैं और ये टेसू लड़कों के लिए होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपने देखा होगा गाँव में गलियों में घूमते हैं और मार्केट के अंदर भी घूमते हैं। यहाँ पर दोस्तों अचल के अंदर काफ़ी मंदिर हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाए हैं। अचल की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अचल की मार्केट के नाम के वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे देखने को। कैसा लगा